नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपको टेक बड्डी चैनल पर। आज हमारे पास आ गया है टेक्नो कैमन 16, तो करते हैं इनका अनबॉक्सिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स का बॉक्स, ये मेड इन इंडिया फ़ोन है और यहाँ पे पीछे की तरफ उन्होंने अपना एड्रेस भी दिया हुआ है, तो यह बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे स्टार वैल्यू देखें तो 0.955 वाट पर के जी हेड के लिए दिया है और 0.825 वाट पर के जी बॉडी के लिए दिया हुआ है, तो बहुत कम है, अच्छी बात है। फ्रेंड्स, इस फ़ोन में आपको 13 महीने का वारंटी मिल जाता है, 12+1 आपको 13 महीने का वारंटी मिलेगा। और फ्रेंड्स, इसमें आपको मिल जाता है 64 MP का अल्ट्रा क्वांट कैमरा, अल्ट्रा नाइट मोड, सुपर वीडियो मोड, G20 का प्रोसेसर मिल जाता है, 6.8 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है फ्रेंड्स, सपोर्ट 18 वाट फास्ट चार्जर, आपको चार्जर 18 वाट का सपोर्ट करेगा लेकिन चार्जर 10 वाट का मिलेगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट की प्रॉमिस भी किए हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, करते हैं इनको अनबॉक्सिंग। तो टेक्नो भी अभी अच्छे अच्छे मोबाइल ला रहा है फ्रेंड्स बजट सेगमेंट में, इन्फिनिक्स को टक्कर देने के लिए तो अपडेट कर रहा है ये भी अपने मोबाइल में, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो लड़ने तो दोनों को फ्रेंड्स, खबर आपको बताते रहेंगे। अगर आप इसका इन्फिनिक्स S5 Pro के साथ कैमरा कंपेयर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए, फिर मैं इसका इन्फिनिक्स S5 Pro के साथ कैमरा कंपेयर वीडियो बना दूंगा। और वीडियो पसंद आने पर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। इसको मैं अभी पहले से नहीं देखा हूँ फ्रेंड्स, क्या है आपके सामने बॉक्स ओपन करने में थोड़ा मज़ा आता है, तो खुल जा सिम खुल जा भाई जल्दी से, टाइम ज़्यादा लगा रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो ये हो गया ओपन, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मिल जाता है आपको मोबाइल कवर और टूल्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल, देखते हैं पहले। वाव, मोबाइल देख के फ्रेंड्स वाव मुँह से निकला, तो अच्छा ही होगा फ्रेंड्स, इसको देखेंगे बाद में। अभी देख लेते हैं इधर यूजर गाइड देख लीजिए, यूजर गाइड कौन देखता है फ्रेंड्स को। इसमें देखिए आपको 10 वाट का चार्जर मिल जाता है और ये है USB केबल, टाइप सी नहीं है फ्रेंड्स, टाइप सी रहता तो अच्छा रहता। और यह है सिम इंजेक्टर पिन, रखते हैं सबको साइड पे। और यह इसका कवर फ्रेंड्स, कवर देख सकते हैं क्वालिटी ठीक है, इससे पहले टेक्नो का टेक्नो 6 एयर करके मोबाइल निकाला तो उसमें कवर नहीं दिया था फ्रेंड्स, कवर को सभी मोबाइल कंपनियों को देना ही चाहिए। तो ये रहा फ्रेंड्स टेक्नो कैमन 16, आप इसमें डिजाइन देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको डिजाइन कैसे लगा ये आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ये आता है प्लास्टिक बॉडी के पे आता है और लुक डिजाइन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये आता है 9.2 mm के थिकनेस पे आता है, लुक बहुत ही अच्छा है, डिजाइन इसका मेरे को बहुत पसंद आया। और आपको कैसे लगा आप इसमें कमेंट बता सकते हैं फ्रेंड्स। सिम देख लेते हैं कि ट्रिपल स्लॉट है कि कौन सा है, तो ये आता है ट्रिपल स्लॉट के साथ में फ्रेंड्स, इसमें आप एक्सटर्नल मेमोरी भी लगा सकते हैं। मोबाइल की इधर साइड तरफ देखेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपको पावर ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है, वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन मिल जाता है। इधर नीचे की तरफ देखेंगे फ्रेंड्स तो आपको माइक्रोफोन मिल जाता है, 3.5 mm का जैक मिल जाता है, USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है और एक सिंगल स्पीकर मिल जाता है फ्रेंड्स। लेफ्ट साइड आपको सिम पोर्ट मिल जाता है, ऊपर कुछ नहीं मिलता है फ्रेंड्स, ऊपर पूरा सपाट है। यहाँ पर नॉइस कैंसलेशन माइक देना चाहिए था। इसका मेन हाईलाइट फीचर है फ्रेंड्स कि आपको 11,000 के प्राइस में 64 MP का कैमरा मिलता है फ्रेंड्स, 2 MP का डेप्थ मिलता है और 2 MP का माइक्रो मिलता है और एक AI कैमरा मिलता है। तो 11,000 के प्राइस में 64 MP के कैमरा बड़ी बात है फ्रेंड्स। आपको Realme 7i भी मिलता है जो 12,000 के प्राइस में आता है। ओवरऑल आपको मोबाइल कैसे लगा आप कमेंट बता सकते हैं फ्रेंड्स। फिंगरप्रिंट लॉक टेस्ट देख लेते हैं कि कितना स्पीड है। वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख सकते हैं फ्रेंड फास्ट ही है, फास्ट है, डिसअपॉइंटेड नहीं करेगा आपको। इसका जो डिस्प्ले आता है 6.8 इंच के डिस्प्ले में आता है। और यहाँ पे हमारे पास पोको M2 Pro भी है, पोको M2 Pro ये आता है 6.7 इंच के डिस्प्ले में आता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका कंपेयर। टेक्नो कैमन 16 थोड़ा सा बड़ा है। अगर आप इसका कंपेयर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए, कमेंट में तो मैं इसका कंपेयर वीडियो भी बना दूंगा। तो अभी इसके बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे डिज़ाइन लुक बहुत ही अच्छा है
आप देख सकते हैं इसका डंप बहुत कम ही दिख रहा है। मेन हाईलाइट फीचर फ्रेंड इसका कैमरा है जो आपको 64 MP कैमरा के साथ में आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 64 MP कैमरा के साथ में आता है और इसमें बहुत सारे कुछ फीचर दिए हैं, आपको शुरू से बता देते हैं। इसमें दिया है शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं इसमें, इसमें वीडियो में आप 2K तक का वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स। और AI कैमरा दिया है, ब्यूटी मोड दिया है, ब्यूटी में आपको बहुत सारे कुछ कुछ फीचर्स मिल जाएंगे इसमें। और यहाँ पे बोकेन फ़ोटो ले सकते हैं सुपर नेट। बात करें फ्रंट वीडियो रिकॉर्डिंग की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें भी पूरा फीचर मैं बता रहा हूँ। इसमें भी शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, वीडियो में आप 2K तक का वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और AI कैमरा, ब्यूटी मोड जो आपको बैक कैमरा में मिल जाता है उतना सब इसमें फ्रंट कैमरा में मिल जाता है। यहाँ पे सुपर नाइट मोड भी आप फ्रंट कैमरा से ले पाएंगे फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी बात है। और इसमें एक और फीचर दिया हुआ है, इसमें आई ऑटो फोकस का फीचर दिया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये आई को डिटेक्ट कर लेता है और आई ऑटो फोकस हमेशा आई को डिटेक्ट करके रखेगा ये। तो ये बहुत अच्छा फीचर्स है फ्रेंड्स, आप इसमें देख सकते हैं। फ्रंट में डुअल फ्लैश लाइट मिल जाता है फ्रेंड्स, जो आजकल के महंगे मोबाइल में भी देखने को नहीं मिलता है, वहाँ पर जगह नहीं मिलता है करके नहीं देते हैं। और आजकल बजट सेगमेंट में भी डुअल फ्लैश लाइट देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको डार्क मोड भी मिल जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप डार्क मोड भी इनेबल कर सकते हैं और यह अच्छे से वर्क कर लेता है। यहाँ पर कुछ फ़ोटो सैंपल भी देख लीजिए फ्रेंड्स, कितना शार्प और क्लियर फ़ोटो कैप्चर किया है, कोई इशू नज़र नहीं आ रहा है, कमाल का फ़ोटो कैप्चर कर लेता है, डायनेमिक रेंज भी अच्छे से कैप्चर कर लेता है। और फ्रेंड्स अगर इसका आप कंपेयर वीडियो पोको M2 प्रो साथ देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए कंपेयर विद पोको M2 प्रो और मैं इसका फिर कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। कलर्स भी अच्छे आते हैं, पंची कलर आते हैं, आप फोटो में आप देख सकते हैं। सेल्फी फ़ोटो देखिए फ्रेंड्स, कमाल का सेल्फी कैप्चर किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। इस फोटो में देखिए फ्रेंड्स, ये नाइट में कैप्चर किया गया है, फ्लैश लाइट को ऑन करके कमाल का फ़ोटो कैप्चर कर लेता है नाइट में। इस फोटो में देखिए फ्रेंड्स, इसको सुपर नाइट मोड को ऑन करके कैप्चर किया गया है, कमाल का फ़ोटो कैप्चर किया गया है। इसमें देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे इतना लाइट नहीं था, दूर से खंभे का कम प्रकाश आ रहा था, लेकिन पूरा ब्राइट फोटो कैप्चर किया है फ्रेंड्स, इसका सुपर नाइट मोड बहुत ही अच्छा है। इस फोटो में भी देखिए फ्रेंड्स, सुपर नाइट मोड को ऑन करके कैप्चर किया गया है और कमाल का फोटो कैप्चर कर लेता है सुपर नाइट मोड में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलना फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।